लॉर्ड मेयर का सुप्रीम कोर्ट में इख्तियारात का रोना धोना काम आ गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का बल्दियाती नुमाइंदों के इख्तियारात पर अस्खुद नोटिस। लॉर्ड मेयर कहते हैं मौजूदा हुकूमत ने 8 माह से फंड्स नहीं दिए। वासा सफाई जैसे महकमे बल्दिया उस्मा की दस्तरस से बाहर है। गुज़िश्ता रोज लॉर्ड मेयर ने चीफ जस्टिस की अदालत में इख्तियारात ना होने का शिकवा किया था। साबिक हुकूमत ने इलाज की बजाय ऑरेंज ट्रेन को तरजीह दी। काबिले शर्म बात है कि मासूम बच्चों को बचाने के लिए मुआशरा कुछ भी ना कर सका। बच्चों के जिगर और गुर्दों की पेबंदकारी की इलाज का ना होने पर चीफ जस्टिस बरहम। PKLI में अब तक कोई ऑपरेशन ना हो सका। महकमे सेहत के पास कोई प्लान नहीं, वजीर आला को तलब कर लेते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर सेहत पंजाब को प्लान समेत 6 जनवरी को तलब कर लिया। हमारे प्राइवेट कॉलेजेस में अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर्स क्रिएट नहीं किए जा रहे, क्वैक्स क्रिएट किए जा रहे। मुझे अंदेशा है कि इन प्राइवेट हॉस्पिटल से जो आने वाले तरबियत हासिल करके तालीम हासिल करके जो डॉक्टर्स बनेंगे शायद वो इस काबिल होंगे कि मेरा इलाज कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। बतौर चीफ जस्टिस मुझ पर भारी जिम्मेदारियां हैं। कौम की खदमत के लिए 3 घंटे से ज्यादा नहीं सोता। निजी अस्पताल डॉक्टर्स नहीं अताई बना रहे हैं। सब जानते हैं दाखिलों के लिए पैसा चलता है। किसी एक अस्पताल को नहीं चलाया, इंतजामी मामलात में मुदाखलत नहीं की। जहां कमजोरियां और खामियां थी वहां मुदाखलत की। चीफ जस्टिस का सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का एक कॉन्वोकेशन से खिताब। 220 तलबा में डिग्रियां और मेडल्स तक से। चीफ जस्टिस का GIT रिपोर्ट में जिक्र करता तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमित करने का हुक्म। तमाम बैंक अकाउंट्स का रिकॉर्ड कब्जे में लेकर अदालत में पेश किया जाए, सुप्रीम कोर्ट। बैंक ट्रांजैक्शन की मॉनिटरिंग। GIT रिपोर्ट में जिक्र करता तमाम इमारतों और जायदादों की खरीदो फरोख पर पाबंदी आए। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद और डीजी लीगर ताहिर परवेज आमने सामने। कमरा अदालत में नोक झोंक, अब आप खुश हैं? डीजी लीगल पर ताहिर परवेज का शेख रशीद पर तंज। देख लें चीफ साहब, आपके सामने मुझ पर तंज कर रहे हैं। शेख रशीद का जवाब, वजीर की इज्जत करें, ताल्लुक बरादरी की बुनियाद पर फैसले नहीं करता। जस्टिस साकिब निसार का लाहौर हाई कोर्ट को डीजी लीगल के केस का फैसला 1 हफ्ते में सुनाने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट के बाहर इंसाफ के लिए आने वालों की दुहाई। झूठे मुकदमे में खावन को गिरफ्तार कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर खातून की दुहाई। पुलिस पर इल्जाम तराशी, खातून मुर्दा बच्चे की लाश भी साथ लेकर आई। पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखला ना मिलने पर कानून के तलबा का भी एहतजाज। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से नोटिस लेने की अपील। शादी ब्याह के मामलात, सजने संवरने की बात और ट्रैफिक की मुश्किलात। DC लाहौर ने शादी हॉल्स के औकात में तौसी का खत लिख दिया। सोलह सईद के खत में सेक्रेटरी कानून को 1 घंटा बढ़ाने की दरख्वास्त। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने हॉल्स के औकात में तौसी का मशवरा दिया था। अदालती हुक्म पर DC मुतहरिक, लोगों ने भी अच्छी उम्मीद लगा ली। 1 हफ्ते पहले शादी हॉल्स के औकात में निसफ घंटे की अस्खुद तौसी की। DC लाहौर। रात को लाइट्स वगैरह ऑफ होती है और ट्रैफिक में हम लोग फंस जाते हैं, तो चाहिए इनका प्रावधान, ये जो तब्दीली आई है तो इसमें भी तब्दीली आनी चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि 1 घंटा ये बढ़ा दें हमारे लिए। जी 1 घंटा बढ़ाना चाहिए, जैसे उन्होंने बोला है उसके मुताबिक हमें टाइम तो देना चाहिए। जस्टिस साहब, रिक्वेस्ट है कि 8 बजे से लेकर 10 बजे की टाइमिंग जो है इसके अंदर मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपने जिस तरह कहा है कि टाइमिंग बढ़ानी चाहिए तो 1 घंटा लिहाजा लाजमी बढ़ना चाहिए। क्लोजिंग वगैरह पे जब करनी होगी तो मैनेजमेंट का सारा जो इंतज़ाम वगैरह होता है वो ख़राब हो सकता है, तो इसकी वजह से ज़रूरी है कि 1 घंटा तो सीख की जाए। पंजाब काबीना के 3 घंटे तवील इजलास में अहम फैसले। सरकारी गाड़ियां गैर जानिबदार तरीके से अलाटमेंट करने की पॉलिसी मंजूर।
ڈاکٹرز کے الاؤنسز میں کارکردگی کی بنیاد پر اضافے کی منظوری دے دی گئی۔ محکمہ سوشل ویلفیئر میں 325 اسامیوں پر بھرتی کی اجازت، خصوصی افراد کی 3% کوٹے کی بنیاد پر بھرتیاں کی جائیں گی۔ وزیراعلی پنجاب کہتے ہیں کہ پسماندہ علاقوں کو ترقی یافتہ بنائیں گے، پورا پنجاب میرا گھر ہے، اپنے گھر کے کونے کونے میں جاؤں گا۔ نون لیگ کی پنجاب اسمبلی میں قائد ایوان بدلنے کی تیاری، حمزہ شہباز متحرک، نمبر گیم پوری کرنے کے لیے پیپلز پارٹی اور آزاد ارکان سے رابطوں کا فیصلہ، حکمران اتحاد کے ناراض ارکان خاص طور پر ٹارگٹ ہیں۔ نون لیگ کی اعلیٰ قیادت کے گرین سگنل پر تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی۔ پی ٹی آئی اتحاد کو اس وقت 21 ارکان کی برتری حاصل ہے۔ خواجہ سعد رفیق کی مشکلات میں مزید اضافہ، چیئرمین نیب نے ریلوے اراضی لیز کرنے کے کیس پر انکوائری کی منظوری دے دی۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں بھی پیش رفت، نیب نے خواجہ برادران کا ایل ڈی ایل محکمہ ٹیکس سے ریکارڈ حاصل کر لیا۔ خواجہ سعد رفیق کی اہلیہ غزالہ سعد کو بھی تحقیقات میں شامل کرنے کا فیصلہ۔ شیخ رشید کے اپوزیشن پر پھر وار، بولے چور معزز کہلا رہے ہیں اور تانے دے رہے ہیں، میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے، آئین کو خطرہ چوروں ڈاکوؤں اور لٹیروں سے ہے۔ شہباز شریف تمام پارٹیوں کے نیب زدہ لیڈروں کے لیڈر ہیں، آصف زرداری کے خلاف نواز شریف سے زیادہ مضبوط کیسز ہیں۔ رائل پام سمیت ریلوے کی اربوں روپے کی اراضی ملی ہے، نئے سال 2020-19 ٹرینیں چلائی جائیں گی۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی یا پھر ڈکٹیٹر، سب نے نئے پاکستان کا نعرہ لگا کر عوام کے ساتھ دھوکہ کیا۔ ریاست مدینہ کی بات کرنے والوں کا کوئی بھی اقدام عوام کے لیے مفید ثابت نہیں ہوا۔ چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل ہے کہ زیر التوا کیسز پر بھی سو موٹو لے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا منصورہ میں کارکنان سے خطاب۔ ہاکی ٹیم کی بدترین کارکردگی کے آفٹر شاکس، مینیجر کوچ کے بعد سیکرٹری بھی مستعفی۔ سیکرٹری پاکستان ہاکی فیڈریشن شہباز احمد نے اپنا استعفیٰ صدر پی ایچ ایف کو بھجوا دیا۔ اور پولیس لائن کلا گجر سنگھ میں سالانہ انٹر ریجن ٹورنامنٹ، جوڈو مقابلوں میں پولیس نوجوانوں کے خوب داؤ پیج۔ مینیجر سپورٹس کا گولڈ میڈل جیتنے والے پولیس نوجوانوں کے انٹرنیشنل ٹیم بنانے کا اعلان۔